हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हियर। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और तरक्की कर रहे हैं। आज की रीडिंग है कि आपके पार्टनर्स आपके लुक को देखकर, चाहे वो आपको फ़ोटो में देखते हों, आपको फेस टू फेस देखते हों, कहीं आते जाते देखते हों, आपकी लुक को देखकर वो क्या सोचते हैं, आपकी अपीयरेंस को देखकर, आपके बालों को देखकर, आपकी आँखों को देखकर, आपकी पूरी बॉडी को देखकर, चाहे उनको फोटो से दिखती है तो आपके पार्टनर्स आपके लुक को देखकर क्या सोचते हैं, क्या पसंद है आपके लुक में उनको, राइट। ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखेंगे रेजोनेट करेगी। ये जनरल है प्लस सभी साइंस के लोगों के लिए है, राइट, सभी जेंडर के लोगों के लिए है। तो जितने रेजोनेट करें उतने रखें और जो ना रेजोनेट करे उसको जाने दें, ओपन माइंड के साथ देखें। एंड अगर पसंद आए और ऐसी वीडियोस आपको देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस पे लाइक शेयर कमेंट करें। हमारा पाइल नंबर वन है शेयरिंग का ब्यूटीफुल सा कार्ड और पाइल नंबर टू है क्रिएटिविटी का कार्ड। जौन सा भी पाइल आपको ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आपको उसको चूज़ करना है और वहाँ से अपनी रीडिंग को देखना शुरू करना है। हे पाइल नंबर वन, वेलकम हेयर। जिन्होंने ये ब्यूटीफुल सा शेयरिंग का कार्ड चूज़ किया है, हम लोग यहाँ चेक करने वाले हैं कि आपके पार्टनर्स आपके लुक को देखकर क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखेंगे तभी रेजोनेट करेगी। जनरल है, सभी साइंस के लिए है, सभी जेंडर्स के लिए है। तो जितनी रेजोनेट करे उतनी रखें और जैसे रेजोनेट करे वैसे रखें, लीव द रेस्ट। पाइल नंबर वन आपके लिए कार्ड्स हैं द स्ट्रेंथ, द मून, एट ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ वांड्स एंड सिक्स ऑफ सोर्ड्स। मैं आपके लिए कुछ चीज़ें देख पा रही हूँ। नंबर वन, आप लोग बहुत सेंसिटिव हो, काइंड हार्टेड हो, दयालु हो, आपको घुमा फिरा के बात करना पसंद नहीं है, आप क्लियर कट बात करना और सुनना पसंद करते हो। नंबर सेकेंड, आपको खुद में काम करने में ज़्यादा बिलीव रहता है इंस्टेड ऑफ कि आप अपना काम औरों को सौंपो, औरों को दो। थर्ड थिंग इज दिस कि आपको काफ़ी इनसिक्योरिटी रहती है, आप अपनों को खोने से बहुत डरते हो एंड आप प्रेजेंट में लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टक हो, जहाँ से आप ना आगे बढ़ पा रहे हो ना पीछे हट पा रहे हो। एंड अब हम बात करते हैं कि आपके पार्टनर्स आपके लुक को देखकर क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। अगर इम्पोर्टेंट डेट्स की बात की जाए तो 6, 10, 1, 19, 28, 18, 9, 8 आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट डेट्स हो सकती हैं, 17 हो सकती है, 26 हो सकती है। आपके पार्टनर्स को आपका सजना सवरना ट्रेडिशनल लुक में देखना, चाहे आप बॉय हो, चाहे आप गर्ल हो, चाहे आप मेल हो, चाहे आप फीमेल हो, आपके पार्टनर्स को आपका ट्रेडिशनल लुक बहुत पसंद है, बहुत 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 पसंद है। वो आपके ट्रेडिशनल लुक से काफ़ी अट्रैक्टेड होते हैं, काफ़ी फैसिनेटेड होते हैं। एंड डेफिनेटली अगर आप वुमेन हो तो आपको वो साड़ी में देखकर बहुत खुश होते हैं और उनको बहुत अच्छा लगता है। आप में से कई लेडीज़ के हेयर लॉन्ग हो सकते हैं या फिर मैन हैं तो अगर आप लोग तो भी हो सकते हैं कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, जैसे रेजोनेट करें वैसे रखें। तो आपके लॉन्ग हेयर उन्हें बहुत अट्रैक्टेड लगते हैं, वो काफ़ी खुश होते हैं उनको देख कर। एंड आपके एक ब्राइट ऑरा है, चेहरे पर एक चमक है, शांत चेहरा है, ब्राइट चेहरा है, होता है ना बच्चों के फेस जैसा, कहते हैं ना सॉफ्ट एंड क्यूट, एंड जिसका चेहरा वाइटिश हो। आप में से कई लोगों का चेहरा वाइटिश भी हो सकता है, जिसकी जिनकी स्किन ऐसी हो सकती है बेबी सॉफ्ट स्किन जिनकी हो सकती है, सेंसिटिव स्किन जिनकी हो सकती है। तो आपके पार्टनर्स को आपकी सेंसिटिव स्किन, आपका क्यूट सा फेस एंड भोला सा चेहरा बहुत पसंद है। आपके पार्टनर्स को आपकी आईज़ बहुत पसंद है, आपकी आईज़ को देखकर वो काफ़ी खुश होते हैं एंड उनको लगता है आपकी आईज़ में एक ऐसी चमक है जो कि बहुत कम लोगों में होती है। आप लोग काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं। अगर आपके बाल छोटे भी हैं तो भी नो एनी डाउट आपके पार्टनर्स आपके बालों की तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड होते हैं, आपके वियरिंग स्टाइल से काफ़ी खुश होते हैं और स्पेशली जब आप दिन त्योहारों पे ट्रेडिशनल ड्रेस डालते हो तो उन्हें आपकी वो लुक बहुत पसंद आती है। आप में से कुछ लोग हो सकता है धोती कुर्ता पहनते हो तो आपके पार्टनर्स को आपकी वो लुक भी पसंद आती है। अगर आप घर में रहते हो, सिंपल सोबर रहते हो, बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करते हो तो आपके पार्टनर्स
उस चीज़ से भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं और काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होते हैं कि हाँ कितना सिंपल सोबर बंदा है या कितनी सिंपल सोबर बंदी है। अगर आप ऑफिस जाते हो अपनी जॉब के अकॉर्डिंग बहुत वेल ड्रेस्ड होते हो एंड अच्छे से कॉन्फिडेंटली स्मार्ट वे में ऑफिस जाते हो तो आपके पार्टनर्स उन चीज़ों से भी बहुत फैसिनेटेट होते हैं। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर्स आपको हर कंडीशन में हर लुक में देखकर काफ़ी खुश होते हैं। आपकी हर लुक, आपकी हर ड्रेस, आपका सब कुछ उन्हें काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। अगर आप गर्ल्स हो, वुमेन हो, तो आपके सिंपल सोबर कपड़े भी उन्हें अट्रैक्ट करते हैं। समटाइम हो सकता है कि आप लोग ना कुछ मिक्सअप सा डाल लेते हो, जैसे कि कैजुअल सा, कि जैसे नीचे स्कर्ट डाल ली और ऊपर टॉप डाल लिया, लेकिन जो टॉप डाला वो काफ़ी लॉन्ग डाला, तो कुछ ऐसा सेंस जैसे कि वेस्टर्न भी है लेकिन कवर भी किया हुआ है। ऐसे नहीं कि मतलब फटी हुई जीन्स पहन ली या फिर फटे हुए टॉप्स पहन लिए, उस तरह से नहीं। तो आपके पार्टनर्स को आपके कपड़ों का सेंस बहुत पसंद आता है, काफ़ी अट्रैक्टेड लगता है। जब वो आपकी पिक्स देखते हैं या जब आपको रियलिटी में देखते हैं तो आपकी आईज़ में जैसे खो से जाते हैं, तो उनको आपकी आईज़ बहुत डीप लगती हैं, डेंस लगती हैं। आपकी बिखरी बिखरी जुल्फ़े भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं और वो काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटेट होते हैं। आपका चलने का स्टाइल, आगे बढ़ने का स्टाइल, ड्राइविंग का तरीका, कॉन्फिडेंट रहने का वे, उन्हें सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड लगती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटेट होते हैं। आप में से कई लोग जब मंदिर जाते हैं तो हो सकता है आपके पार्टनर्स आपको वहाँ मिलते हों या वहाँ देखते हों, तो उन्हें आपकी वो अपीयरेंस तो बहुत ही अच्छी लगती है। अगर आप लोग बहुत काम करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, थक जाते हैं और समटाइम तब आपके पार्टनर्स आपको देखते हैं तो उन्हें आपकी वो आभा भी पसंद आती है कि हाँ कितना मेहनती है या हाँ कितनी मेहनती है, और ईच एंड एवरीथिंग सिंपल सोबर, आपका सजना सवरना, बाहर घूमना, ड्राइव करना, लाइफ में आगे बढ़ना, आपका रोमांटिक वे में उनसे बात करना, आपकी स्किन का जो टोन है और जो स्किन का जो टेक्सचर है और जो स्किन जितनी सॉफ्ट और सेंसिटिव है उन्हें बहुत पसंद है। आप में से कई लोगों के हाथ आपके पार्टनर्स को बहुत पसंद होंगे, वो कहते होंगे कि आपके हैंड्स बहुत ब्यूटीफुल हैं, आपकी नेक बहुत ब्यूटीफुल लगती है उन्हें। जब आप बाहर जाते हैं और आपके बाल उड़ते हैं तो उन्हें वो उड़ते हुए बाल देखना बहुत पसंद है, चाहे पिक्स में हो, चाहे आपकी वीडियोस में हो, चाहे आपको रियल में वो देख रहे हों। जब आप शांत रहकर पूजा करते हैं या साइलेंट होकर सोते हैं तो उन्हें आपकी वो लुक बहुत पसंद आती है और लगता है कि कंटिन्यूसली वो आपकी तरफ देखते रहें। समटाइम आप उनकी चिंता करते हो, उनके लिए परेशान होते हो, उनके लिए अशांत हो जाते हो और बहुत क्यूट वे में पूछते हो, और समटाइम होता है कि स्केयर होके पूछते हो और आपकी आईज़ में पानी आ जाता है, तो तब भी आप उन्हें बहुत क्यूट लगते हो, बहुत प्यारे लगते हो और उन्हें ये फील हो पाता है कि आप उनसे कितना लव करते हो। आपका रोमांटिक वे में उनसे बात करना, उनको टच करना, उनकी तरफ देखना या उनको कुछ जेस्चर्स भेजना उन्हें बहुत पसंद है। आपके हाथों की बैंगल्स, कई लोगों ने बैंगल्स पहन रखी होंगी, आपके हाथों की बैंगल्स, आपके कानों के झुमके, आपकी साड़ी या आपका दुपट्टा उनको बहुत अट्रैक्टिव लगता है। तो उनका आपको सजते संवरते देखना, पार्टीज़ में जाना, ऑफिस की लुक अलग होना, बाहर जाने की लुक अलग होना, घर की लुक अलग होना, आपका हर वे, हर तरीका, हर लुक काफ़ी ज़्यादा पसंद है, काफ़ी ज़्यादा वो अट्रैक्ट होते हैं, फैसिनेटेट होते हैं। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है। अगर रेजोनेट की है, पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे। वेलकम पाइल नंबर 2 जिन्होंने ब्यूटीफुल सा क्रिएटिविटी का कार्ड चूज़ किया है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आप लोग सिंपल हैं, सोबर हैं, लविंग हैं, केयरिंग हैं, डिवाइन में बिलीव रखते हैं, प्रकृति, नेचर एंड ट्रेडिशंस आपको बहुत पसंद हैं और आप बहुत खुश रहते हैं फ्लावर्स के बीच, इन्वायरमेंट के बीच, नेचर के बीच। आपको ग्रीनरी बहुत पसंद है, आपको झरने बहुत पसंद है, आपको सिंपल सोबर रहना बहुत पसंद है, आपकी ऑरा बहुत ब्राइट है, आपका डिवाइन के साथ बहुत डीप और डेंस कनेक्शन है।
इस रीडिंग में हम लोग चेक करेंगे कि आपके पार्टनर्स आपके लुक को देखकर क्या फील करते हैं। अगर रेजोनेट करे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ऑन दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर्स को आपके हेयर, आपके बाल, कुछ लोगों के बाल हो सकता है ब्राउन भी हों, बहुत पसंद है। और अगर आप बालों पे कुछ लगाते हो, कुछ हेयर बैंड्स लगाते हो, कुछ छोटे छोटे क्लिप्स लगाते हो या फिर कुछ बीट्स लगाते हो, तो उन्हें आपका वो स्टाइल बहुत पसंद है। और कार्ड्स हमारे पास हैं टू ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस, नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैज एनर्जी यहाँ पर है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि उनकी उनको आपके ट्रेडिशनल लुक बहुत पसंद है। जब आप साड़ीज़ में होते हो या फिर अपने किसी भी ट्रेडिशनल लुक में या ट्रेडिशनल ड्रेस में होते हो तो वो आपको देखकर बहुत फैसिनेटेड होते हैं। अगर आप कभी लेटे होते हो, उनके सामने होते हो या फिर लेट कर उन्हें पिक कोई सेंड करते हो तो उन्हें आपकी वो लुक बहुत पसंद है। उन्हें आपका हेयर और आपका बैक पोर्शन, फ्रंट पोर्शन तो सबको पसंद होता ही है, लेकिन इन पर्सन को आपका बैक पोर्शन भी बहुत अट्रैक्टिव लगता है, काफ़ी फैसिनेटेट करता है। आपका शांत लुक, शांत चेहरा, हो सकता है आप में से कुछ लोगों की स्किन टोन थोड़ी सी डस्की हो या काफ़ी लोगों की ब्राइट हो, एंड ब्लैक मुझे बहुत कम लोगों की दिखाई दे रही है, तो इस चेहरे पे ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं, फैसिनेटेट होते हैं। इन्हें लगता है कि काफ़ी ब्राइट और स्पिरिचुअल और धार्मिक और परफेक्ट ऑरा है आपका, आपका डिवाइन के साथ कनेक्शन देखकर ये पर्सन बहुत खुश होते हैं, बहुत हैप्पी होते हैं, बहुत अच्छा लगता है इन्हें। आपका सिंपल सोबर वियरिंग स्टाइल देखकर, सिंपल सोबर नेचर देखकर ये काफ़ी खुश होते हैं। हो सकता है कि आप लोगों के पास पैसे की किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत ना हो, लेकिन तब भी आपको सिंपल रहना, सिंपल बोलना, सिंपल वे में आगे बढ़ना, सिंपल वे में थिंग्स को हैंडल करना पसंद हो, जो कि इन पर्सन को काफ़ी फैसिनेटेट करता है। आपका काइंड हार्टेड नेचर, आपका दयालु नेचर, आपका मदरली नेचर इस पर्सन को बहुत अट्रैक्टेड लगता है। मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि आप में से कुछ लोग मॉडर्न वियरिंग स्टाइल के अगेंस्ट रहते होंगे और आपको लगता होगा कि पता नहीं बाकी लोग ये कैसे पहन लेते हैं, जैसे हील्स कैसे पहन लेते हैं, रफ टफ कपड़े कैसे पहन लेते हैं, शॉर्ट्स कपड़े कैसे पहन लेते हैं, तो अक्सर आप बोलते रहते होंगे कि भाई मुझसे तो नहीं पहने जाते। तो जब आप ऐसे बोलते होगे या जब आप ऐसे रिएक्शन देते होगे तो डेफिनेटली उस टाइम पे आपके पर्सन आपको देखकर बहुत खुश होते हैं और बहुत इम्प्रेस होते हैं। जब आप कुछ ड्राइव करते हैं या राइड करते हैं, वो पोस्चर, वो आपका स्टाइल, वो आपका तरीका, वो आपके लुक आपके पार्टनर्स को बहुत पसंद है। अगर आप बॉयज़ हैं, मैन हैं, तो मैं बता दूँ, जब आप ट्रेडिशनल ड्रेस में होते हैं, कुछ धोती पहनते हैं, ऊपर कुर्ता पहनते हैं, शेरवानी पहनते हैं, तो वो लुक आपकी गर्लफ्रेंड्स को या आपकी वाइफ को बहुत पसंद आती है आपकी। जब आप ड्राइविंग करते हैं लॉन्ग राइड पर, अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी वाइफ को लेके जाते हैं, तो उन्हें बहुत पसंद आता है। आप में से कई लोगों की मुस्टैचेस हैं और डेफिनेटली आपके जीएफ को, आपकी वाइफ को मुस्टैचेस बहुत पसंद है। आप में से कई लोगों के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपको शूज़ की अलग अलग कलेक्शन रखना या शूज़ अलग अलग तरीके से पहनना बहुत पसंद है, जो कि अगेन आपके पार्टनर्स को बहुत फैसिनेटेट करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं टूवर्ड्स यू। आप में से कई लोगों को ज्वेलरी पहनने का भी शौक मुझे दिखाई दे रहा है, और डेफिनेटली आपके पार्टनर्स को आपके ऊपर ज्वेलरी, जो भी आप पहनते हैं, कुछ गले में पहनते हैं, कानों में पहनते हैं, हाथों में पहनते हैं, आपके पार्टनर्स को बहुत अट्रैक्टिव लगता है और बहुत बढ़िया लगता है। मैं ये देख पा रही हूँ, या तो आप में से कई लोग बिल्कुल सिंपल सोबर रहते हैं या बहुत ज़्यादा बनठन के रहते हैं, तो दोनों ही वे से आपके पार्टनर्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आप लोगों का आउटफिट इतना सेंसिबल होता है, इतना फॉर्मल होता है कि आपके पार्टनर्स उसके बिग फैन हैं। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप लोगों को घूमने फिरने का या वहाँ जाके सेल्फीज लेने का या फिर पिक्स क्लिक करने का काफ़ी शौक हो सकता है, और वो पिक्स आपके पार्टनर्स लगातार देखते रहते हैं जब भी फ्री रहते हैं, और एवरी पिक में आप उन्हें बहुत बहुत सुंदर लगते हैं।
आपके पार्टनर्स को आप जस्ट लाइक मून लगते हैं, आपसे परफेक्ट और कोई नहीं लग सकता है, वो आपके बिग फैन हैं और हर हाल में आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं और जीना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो बार एम्प्रेस आया है, यहाँ पे भी एम्प्रेस है, वहाँ पर भी एम्प्रेस है, वो आपके साथ अपनी फैमिली देखते हैं, घर गृहस्थी देखते हैं, बच्चे देखते हैं और आपको परफेक्टली अपने लिए एक्यूरेट मानते हैं, बेस्ट मानते हैं। अगर आप बॉयज़ हैं तो हो सकता है कि थोड़ा सा समटाइम एटीट्यूड या ईगो दिखाते हों या थोड़ा ऐंठ के चलते हों, तो आपका ये स्टाइल आपकी गर्लफ्रेंड्स या फिर अपनी वाइफ को, आपकी वाइफ को बहुत बहुत पसंद है। आप में से हो सकता है कई लोग कैप पहनते हों, और जब कैप पहनते हों तो आपके पार्टनर्स आपको देखकर बहुत खुश होते हैं, हैप्पी होते हैं, उनका आपका उन्हें आपका कैप पहनना बहुत पसंद है। मैं ये देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों को पेंटिंग्स करने या पेंटिंग्स बनाने का बहुत शौक होता होगा, या फिर आपके पार्टनर्स पेंटिंग्स में इंटरेस्टेड होते होंगे और उन्हें लगता होगा कि वो आपके पोस्टर्स बनाएं, आपके लिए पोर्ट्रेट बनाएं। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर पसंद आई हो, रेजोनेट की हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। फॉर मोर क्लैरिटी यू कैन बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग्स टू, जिसकी डिटेल्स ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय फॉर नाउ। हैव अ गुड डे। टेक केयर।